बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलदार है, दिलदार हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की जो हमारी जो रेसिपी है वो है दाल माश। तो कैसे बनती है आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे बड़ा भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक ज़्यादा पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है, इस तरह गैस पर रख लेनी है। और अब मैं लेमन करता हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसमें घी डालूंगा। तो ये देखें, अब मैं इसमें घी डालूंगा। एक चम्मच भर कर इसमें घी डालना है, एक कप। ये देखें, ये देखें इस तरह एक कप इसमें डालना है घी का। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखें मैंने घी डाल दी है। तो ये देखें, तो जैसे गर्म होता है घी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगा प्याज। इसमें लहसुन नहीं, तो देखें अच्छी तरह हला लेता हूँ, यानी कि मिक्स कर लेता हूँ इस तरह। तो अभी प्याज का नमक हम चेंज नहीं किया, जैसे प्याज का नमक चेंज करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी प्याज नमक नहीं चेंज किया, जैसे प्याज का नमक चेंज करेगा मैं आपको दिखाता। तो ये प्याज अपना नाम चेंज कर दिया, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगा ये टमाटर लाल इस तरह। अब मैं इसमें डाल दिया ये सब धनिया जो मैंने काट ली है। और अब मैं इसमें डाल दिया ये सबल जीरा इस तरह। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए जरा मिक्स कर लेना आपने, ये देखिए माशाल्लाह ये मिक्स हो गया। तो अब मैं मसाले डाल दूँ, मसाले डाल देता हूँ। ये देखें मसाले बनाते हैं, ये तीन चम्मच पूरी में मार लेनी है आपने। ये देखें तीन चम्मच इसके लेंगे पूरी में मार के। और एक चम्मच जीरा पाउडर और एक ही चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। तो ये सब मिसाल मैं इसमें डाल दूंगा। तो देखें तो ये मैं डाल दी है। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ। तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। तो देखें तो थोड़ा सा और पानी इसमें डालेंगे। ये देखें तो ये जैसे ही ये देखें मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन रही है। जैसे ये मिसाले तैयार है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिसाला हमारा मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगा ये दाल माश। ये देखिए इस तरह इसमें दाल माश डाल लेनी है। ये तो ये देखिए मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगा ये साबुत साबुत मिर्च। ये देखिए तो अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह। तो ये देखिए मिक्स मैंने कर लिया। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा रहा हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगा दिया। तो मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाया तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू है। ये देखें जी कितनी प्यारी बनी है आज की हमारी रेसिपी। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। तो अब मैं सबसे पहले फ्लेम को बंद करता हूँ।
करता हूँ, ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब मैं कढ़ाई को नीचे डालता हूँ, तो अब मैं कढ़ाई को नीचे डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह स्टैंड पर रख दिया है, ये देखिए, और ये मैंने स्टैंड पर रख दिया है। और अब मैं डिश तैयार करता हूँ, उसमें डालूंगी, दाल माश की वो तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल बड़ा भैया को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक ज्यादा पहुंच सके। तो ये माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह डिश हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, ये आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे चैनल बड़ा भैया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपको तरफ से मोहब्बत और प्यार, मैं हूँ आपका छोटा भाई मोहम्मद दिलदार। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।